मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्यों ये शब्द बोल रहा हूं मैं, हमारा टूरिज्म सेक्टर को वैक्सीनेशन का एक कोऑर्डिनेशन है, बिना वैक्सीनेशन का टूरिज्म चलता भी नहीं। आज इतने टूरिस्ट आ रहे, आज इतने टूरिस्ट घूम रहे इधर, देखिए आप, इसके कारण वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, बिना वैक्सीनेशन का कोई व्यक्ति गोवा में आते नहीं। ये पूरा डोमेस्टिक टूरिस्ट है, ये डोमेस्टिक टूरिस्ट इतने लोग आए आ रहे हैं, इसके कारण नरेंद्र मोदी जी का वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा इश्यू है। इसीलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत का विकास का हो, गोवा का विकास का हो, गोवा का टूरिस्ट डेस्टिनेशन का काम हो, जितना भी हो, मैं गोवा जनता के लिए, मैं एक डबल इंजन सरकार के गोवा में हो रहे, हम इसीलिए हम पूरा गोवा के साथ रहेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19th को आने वाले हैं, 19th को भी अलग अलग विकास के कार्यक्रम के बारे में गोवा जनता को वो डेडिकेशन करेंगे। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए, जो प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में गोवा में जो सरकार है, ये सरकार एक गोवा फ्रेंडली सरकार है। ये आगाद फोर्ट हो, ओल्ड गोवा के चर्चिस हो, कोला बीच हो, गोवा ने, गोवा सरकार ने, एमटीडीसी ने जो कुछ मांगा वो उन्होंने सेंक्शन करके इसका आज कई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन आज हो रहा है। और इसमें से आगवाद फोर्ट का जो इल्यूमिनेशन है और बाकी जो काम पाथवे हो और बाकी सुशोभीकरण का काम जो है, आज उसका हम इनॉग्रेशन इनके हाथ कर कमलों द्वारा कर रहे हैं। आगवाद के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने इसकी महती आप सबके सामने रखी हुई है। आगवाद फोर्ट हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। गोवा राज एक संबंध जगाचेर एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन फामाद असा, आणि वेगवेगळ्या देशाचे टूरिस्ट ते आमच्या गोयात येतात। आणि आज आम्ही पळतात आमचे गोयचे मेन सोर्सेस ऑफ इनकम जे असतात, ते पहिले म्हणजे असले आमचे माइन आणि दुसरे म्हणजे टूरिझम। आज आम्ही सांगू शकतात माइन आमची खैतरी थोड्या टायमा खातीर सायटी गेल्ले आहा, पण टूरिझम जो मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दीस अवर गोवा म्हणटा तो टूरिझम। आणि हो टूरिझम गोयात वाटपाक जाय, हे हमारा टूरिझम, हे हमारे गोवा में बढाना है। जो पहले है वो रखना है, उसके मजबूती लानी है। साथ ही साथ उत्तर गोवा या दक्षिण गोवा में जितने भी हमारे टूरिस्टिक प्लेसेस है वो हमें बढ़ाना चाहिए, ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए। इसलिए आवर आर्च बिशप हैज रिक्वेस्टेड आवर चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे to look into this matter where all of a sudden one structure comes up over there. A repair innovation license was taken for a 50 square meter structure and a huge building comes up, ground plus one. People from all faiths of life were disturbed. The unity in Goa, all Hindus, Muslims, Catholics, we are all one. And when it comes to heritage, everybody is one. Sir, I also request your intervention in this matter because it is under you, sir. And this structure which has come up over there needs to be raised down. And I am quite confident that the government of the day, the village panchayat of old Goa and the town and country planning will not leave any stone unturned to see that this structure which came for the last 2-3 months will be raised down. And the debris also will not be kept over there. The stones which will be falling down from this structure should not be kept over there, because this is the UNESCO site, this is the World Heritage Site.
एंड वी नीड टू कीप दिस फोर्ट लोअर फोर्ट ऑल दिस टेम्पल्स विच आर देयर विच योर डिपार्टमेंट हैज स्पेंड मनी दैट इज महादेव टेम्पल कुर्दी रियली दिस इज दीज आर द हेरिटेज साइट्स वेयर ऑल द टूरिस्ट वर कमिंग इन टू गोवा वेदर दे आर इंडियन टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट दे लव टू कम एंड सी दिस ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स विच वर बिल्ड वे लॉन्ग 450, 500, 700 ईयर्स बैक एंड दिस इज वॉट इज आवर रिचनेस येच म्हणतात आम्ही आमचे गोयचे दाईस.